दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी हलचल मच गई जहां दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया और इसे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में देखा। और इसी मुद्दे पर रविवार को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत का इस्तीफा एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर गया। बीजेपी ने इस पर निशाना साधते हुए केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार और तानाशाही का प्रतीक बता डाला। कैलाश गहलोत ने अपने इस्तीफे में शीश महल और यमुना सफाई जैसे कई गंभीर मुद्दे उठाए। इसको लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता के टैक्स के पैसे अपने ऐशो आराम पर खर्च कर दिए। कैलाश गहलोत का इस्तीफा हमारी उस मुहिम को बल देता है जो हम बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शासन भ्रष्टाचारी शासन है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूटने का काम किया है। कैलाश गहलोत ने उसकी पुष्टि की है। सर, जिन मुद्दों को बीजेपी उठा रही थी उन्हीं मुद्दों का जिक्र उन्होंने अपने लेटर में भी किया है। देखिए, हम वो मुद्दे उठा रहे हैं जो दिल्ली की जनता की आवाज़ है, जिन मुद्दों से दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो प्रदूषण है, पर्यावरण है, यमुना की सफाई है, भ्रष्टाचार है, शीश महल है, पैनिक बटन घोटाला है, मोहल्ला क्लिनिक, हम सारे घोटाले उठा रहे हैं। तो अभी तो बानगी भर कैलाश गहलोत ने जिक्र किया है शीश महल का और यमुना का, लेकिन ये दोनों वो मुद्दे हैं जिस पर हमारा बार बार ये पक्ष रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया, उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की जनता को लूटने वाले अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ झूठ और बेईमानी का सहारा लिया। बीजेपी ने इस पर जोर देते हुए कहा कि जनता अब इनकी सच्चाई समझ चुकी है। बीजेपी ने साथ ही दावा किया कि पार्टी के भीतर तानाशाही रवैया और भ्रष्टाचार के कारण कई नेता आम आदमी पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि आपके अंदर तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि उनके मंत्री और विधायक दम घुटने के कारण पार्टी छोड़ रहे हैं। राजकुमार आनंद ने भी दलितों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। अब कैलाश गहलोत का इस्तीफा बताता है कि जनता और नेता दोनों ही केजरीवाल से नाराज हैं। देखिए, इनके मंत्री, इनके विधायक आम आदमी पार्टी के जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है, दम घोटू एटमॉस्फेयर है, इनका अगर मंत्री इस्तीफा दे रहा है इसका मतलब आम आदमी पार्टी का जहाज डूब रहा है, क्योंकि इनके मंत्रियों को, इनके विधायकों को जनता को जवाब देना पड़ता है कि आप 8 साल से 10 साल से विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आपने क्षेत्र के लिए क्या किया, आपने दिल्ली के लिए क्या किया। आज दिल्ली पॉल्यूशन से तड़प रही है, AQI 450 के लगभग पहुंचा हुआ है। इसके कारण से इनके मंत्री लगातार इस्तीफा दे रहे हैं और अब ये क्या चालबाजी करेंगे आम आदमी पार्टी वाले कि जो इनका मंत्री कल तक इनके साथ था, इनका बढ़िया मंत्री था, इनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम कर रहा था, आज वो करप्ट हो जाएगा, आज वो अचानक भ्रष्ट हो जाएगा। बीजेपी ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जनता बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में लाने वाली है। वहीं कैलाश गहलोत के इस्तीफे पर बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया। अब देखना ये होगा कि कैलाश गहलोत क्या अब किसी पार्टी का दामन थामते हैं या नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव दिल्ली में बेहद नजदीक है और अगर गहलोत जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो यह पार्टी के लिए कहीं न कहीं फायदे का सौदा होगा। सहयोगी हरीश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह, टोटल न्यूज़।